गुप्ता दीदी जी को मैं बधाई देता हूँ, न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में एक संदेश गया है। खुशी की बात यह है, विचारधारा अलग हो सकती है, दल अलग तरीके से चलाते होंगे हम, लेकिन देश के सवाल पे सब लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और ये सिलसिला जारी रहे यही हमारी सबकी मिलकर की कोशिश होगी। देश में किसान, उन बातों को मैं दोबारा क्यों कहूँ, लेकिन पूरी देश की जनता को निराश किया है भारतीय जनता पार्टी ने। कोई भी सवाल अगर हम उठाएं और उनसे सवाल पूछें, आज 4.5 साल पूरे होने के बाद भी उन सवालों का जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हो सकता है कुछ सपने बड़े दिखाएं या कुछ ऐसे सपने दिखाएं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, इसलिए जनता को भी हमने सावधान किया है और खासकर किसान, गरीब, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों को सावधान किया है कि इनके झूठे वादों से बचें, इनकी साजिश से बचें। और हम तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों में झगड़ा करा करके, लोगों के बीच में नफरत फैला करके, धर्म की, जाति की, उन तमाम चीज़ों को कर करके सत्ता में आए, आज लोग समझ गए हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर आदरणीय ममता दीदी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं अपने आप को अखिलेश जी ने जो अभी बातें कही हैं उनसे संबद्ध करता हूँ, इसलिए उनको कोई रिपीट नहीं करूँगा। आज ये भी एक बात उठी अभी मीटिंग के बाद कि सब कुछ ठीक है, जनता इस समय देश की जो सरकार है उसको उठा के फेंकना चाहती है, उसके खिलाफ अपना मत देना चाहती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जैसे पिछले इलेक्शंस में हुआ कि ईवीएम में खराबी करके, ईवीएम में मैनिपुलेशन करके और वोटों को बदलने की इनकी साजिश हो, जैसे कि पहले रह चुकी है। इसलिए उसके लिए भी हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा और इसको लेकर के एक मत बन रहा है कि सभी पार्टियां मिलकर के और इलेक्शन कमीशन के सामने जा करके इस बात को उनके सामने रखेंगे और अपने ईवीएम में किस तरीके से पहले गड़बड़ी की गई है और आगे किस चीज़ तरह से उसको रोका जा सकता है, इसके संबंध में अपनी बात उनके सामने रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। हम सब ने सामूहिक रूप से ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दी है आज एक ऐतिहासिक घटना के लिए, और इस मैदान में जो आज हुआ है वो ऐतिहासिक है क्योंकि इतने व्यापक प्लेटफॉर्म पे इतनी विभिन्न पार्टियां और लीडर आना अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में इसी मैदान पे 2019 की विजय भी सेलिब्रेट की जाएगी। हमने कई मुद्दों पे बातचीत की, मुख्य बात थी कि जिस प्रकार से भारत की परिभाषा को बदला जा रहा है इतने कम समय में और जिस प्रकार से भारत की जो अस्मिता है उसको बदला जा रहा है, उससे बचाना आवश्यक है और उसी तरफ हम लोग सब जुटे हैं। मूल उद्देश्य एक ही है, यद्यपि अभी डिटेल्स वर्कआउट होने हैं, उद्देश्य ये है कि हर प्रदेश में, हर इलाके में बीजेपी के विरुद्ध एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो, और अगर ये उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। बाकी कई और मुद्दे हैं जिनके बारे में निकट भविष्य में और दिल्ली में बात होगी, लेकिन ये एक शुरुआत है जिसकी गति, दिशा, मोमेंटम बना रहेगा और उसका बहुत प्रभाव देखेंगे आप निकट भविष्य में। एक और बात, जैसा मेरे मित्र मिश्रा जी ने कहा, देखिए समय बहुत कम है, नहीं तो हमारा सबका मानना है कि जब दुनिया भर में मुश्किल से 3-4 देश ऐसे हैं जहाँ पर इस मशीन का प्रयोग होता है, तो क्यों ना भारत वापस पुराने सिस्टम में चला जाए, यानी फिजिकल बैलेट। कई देश ऐसे हैं विकसित जिन्होंने प्रयत्न करने के बाद बदला, 10-15 प्रदेश यूएसए के, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी,
ने ईवीएम शुरू करने के बाद निरस्त कर दिया, तो वैसे उद्देश्य हमारा है कि वापस फिजिकल बैलेट पे जाना, लेकिन चूंकि समय कम है, लेकिन चूंकि चुनाव अब लगभग 2 महीने दूर हैं, इसलिए कम से कम न्यूनतम हमारी मांग होने वाली निकट भविष्य में कि हर मशीन में, जैसा कि वायदा हो चुका है उच्चतम न्यायालय में, 100% मशीनों में पेपर ट्रेल की व्यवस्था होनी चाहिए वीवीपीएटी की, जो कि चुनाव आयोग मान गया है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब 100% मशीनों में ये प्रावधान है, तो कम से कम 50% मशीनों में गिनती फिजिकल जो पेपर ट्रेल होता है उसके आधार में क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए। वो 50% आप सैंपल आधार पे चुनिए, लेकिन 50% मशीनों में फिजिकल वेरिफिकेशन काउंटर चेकिंग अति आवश्यक है। ये हम सबका सामूहिक मत है, और अगले हफ्ते से हम इस विषय में लिखेंगे, जाएंगे चुनाव आयोग के पास जाएंगे और देश भर को इससे अवगत करवाएंगे। और ये एक ऐसी मांग है जिसमें कोई मनाए होने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो फिर ये मांग क्यों नहीं मानेंगे, सिर्फ क्रॉस चेकिंग की मांग कर रहे हैं हम अभी। नहीं, हमारा अभी चाय का बाद हम लोगों ने जस्ट बैठे थे, बात कर रहे थे, तो एक तैयार हुआ है सब मिलके एक साथ में, एक ही यूनानिमस तैयार हुआ है कि हम लोग सतीश मिश्रा जी को, अखिलेश जी को, अरविंद जी को, अखिलेश को और अभिषेक सिंह जी को एक मिलके एक कमेटी और लोग तैयार करे एक ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन का बारे में, ईवीएम मशीन का बारे में, वो लोग हम लोगों को बताएंगे, तो हम हॉट पॉलिटिकल पार्टी वही एक ही बात में हम बात करेंगे और वी विल राइट ए लेटर टू द इलेक्शन कमीशन और ये लोगों ने तैयार करेंगे आफ्टर ड्राफ्ट टू मीट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो टुगेदर दिस ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, बिकॉज इसमें हमारा देश का लोकतंत्र को रक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें एक सहमत हुआ है। एंड एट द पार्लियामेंट का टाइम में सब चाहते हैं कि ये लास्ट पार्लियामेंट है, तो अगर कोई मौका मिलेगा तो उधर में जाके हम लोग मीट करेंगे, जैसे मीट करके डिसाइड करेगा नेक्स्ट टाइम कहाँ कहाँ मीटिंग बुलाएंगे। आई थिंक टुडे इट इज एन नाउ वी आर वेरी हैप्पी टुडे, वी रियली अप्रिशिएट मैडम ममता जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिक मीटिंग। This is going to transform India, and also country is in danger. We have to save the country. Democracy is under threat. We have to protect democracy. Divide and rule. Now we have to unite India. That is the order of the day. If you see, people are fighting within communities, or within the region, or within the states. Like that everywhere they are dividing, hatred campaign is going on, all these things should go. There is a earlier secular compulsion, there is a political compulsion, there is a democratic compulsion now. If you save democracy, then everybody will talk, you write, or you show our messages. But there is no democracy, nobody can do anything. That is very, very important. This is the this meeting, I am totally confident, mood of the people is totally with us. They have decided. Now all leaders put together how to take forward, we are working together. I am very grateful to Madam Mamata Banerjee for inviting us all to Kolkata. We want free and fair election, which is vital. If in free and fair election he'll win, we accept it. But we will never accept if the election is won on fraudulent basis. We have a great fear of this machine. Great fear, I'm telling you very frankly. That is why all of us have thought that something has to be done and has to be done immediately. The Chief Minister of Delhi has been raising it for a long time. Kejriwal ji
that this machine should be dispensed with and we should go back to the original system of paper ballots. Well, that is not possible now. We all realize the time is very short. But we want the Election Commission to guarantee a free and fair poll. And for that, as Mamta ji has done, four of them will be our guides as far as what they decide. Akhilesh ji, Sharma ji, my friend, all of these people will work on it. And I hope it is done soon, because time is very short. Here I'll request media also. You are a vital for India's democracy. You are vital to protect sovereignty and dignity of this nation. You are vital. That is why we are against the curbs, if at all ever put on you, because you are vital to guide us also. Let me tell you very frankly, we can make mistakes. But the minute you raise a voice, we realize that something is going wrong. I hope to God that now you will look into this when the election process starts, and you will look and see injustice is not done to the voter or to the candidate. This is vital. You are spread all over. Therefore, my request is, if you want to save this nation, not only for yourself, for the children who are not even born, I want you to protect the fundamental principles of our Constitution. Our Constitution is under threat. I'm telling you, it's under threat. I hope we don't have a situation where suddenly Hitler rises, Goebbels rises, and then forever we will be under. Therefore, to you I request, hand-folded request. Now everybody is to leave because they have their own flight time. So please excuse us today because from morning they are here. So if you ask so many questions, they will not be able to reply because they have the flight time. No, there are so many technical problems are there. That's why this four man will look into all these cases and they will guide us. Okay, the Prime Minister has reacted, the BJP has reacted. They've called them two words. One, they've called you all nawabs of negativity. And second, they said it's a coming together of all the cranky losing forces. Are we nawab or servant? Are we nawab or bonded labor? Kya hai? We are the free citizen of this country. Why we say like this? किसको नवाब किसको बोलने चाहते हैं नवाब तो जमींदार को बोलता है नो नो मैडम यू वांट टू बी सर्वेंट्स वी आर नॉट हिज सर्वेंट्स वी आर सर्वेंट्स टू द पीपल अच्छा अखिलेश को बोलने दो वो छोटा लोग वो छोटे नहीं मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी के लोग जो आरक्षण के खिलाफ थे आरक्षण बोलने लगे उर्दू के खिलाफ थे उर्दू बोलने लगे नवाब तो अच्छी बात है थोड़ा सुधार आ रहा है वो तो पीपल उसको रिप्लाई देंगे जल्दी से जल्दी हम तो खुशी है हमारे बारे में कहा है वेरी गुड क्या है बाप रे बाप एक नहीं है तीन है वो पता नहीं है Let all sit together. That is not the problem, I think. When is the next meeting? Next meeting.